कानपुर का देखते हैं। कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, इन्हें दोदू पंत इनका नाम है, ने किया, जिसे पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो नाना साहब ने कहा, भाई रामचंद्र पांडुरंग जी यानी कि तात्या टोपे जी, आप मेरी तरफ से लड़िए। और नाना साहब जो थे, जिनका नाम दोदू पंत था, वो कानपुर के विद्रोह का उन्होंने पूरा जिम्मा लिया। दिसंबर 1857 में कैंपेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची। फिर से कैंपेल यानी लखनऊ का भी इन्होंने किया था पूरा, बेगम हजरत महल को हराया था। और कैंपेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची, फिर से कानपुर पर अधिकार उन्होंने कर लिया। आगे देखते हैं, नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः उनको फांसी दे दी गई। तात्या टोपे वैसे राजस्थान में भी आए थे, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, काफ़ी उन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया, कई बार वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन अंततः उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में फांसी की सजा प्राप्त हुई। नाना साहब जी नेपाल चले गए, जैसे बेगम हजरत महल चली गई थी। तो कुल मिला के दिसंबर आते आते 1857 तक कैंपमेल के द्वारा दो जगहों को विजिट कर लिया गया।